हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अनेकों तरह के व्हाट्सएप स्टिकर बना सकते हो। आप खुद के भी स्टिकर बना सकते हो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, अनेकों तरह के स्टिकर्स आप व्हाट्सएप में बना करके अपने दोस्तों को सेंड कर सकते हो। तो इन्हीं सब टॉपिक पे बात करने के लिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना होगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ ऊपर सर्च बॉक्स में सर्च करना होगा पर्सनल स्टिकर फॉर व्हाट्सएप, पर्सनल स्टिकर्स फॉर व्हाट्सएप। फ्रेंड्स, यहाँ पर दिख रहा है फर्स्ट नंबर पे, इसका लोगो आप देख लीजिए। इस लोगो को देख करके यहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ से आप इंस्टॉल कर लेंगे और फ्रेंड्स, याद रहे साथ में एक और एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है। इसके लिए आपको दो एप्लीकेशंस की आवश्यकता होगी। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, हम जैसे ही नीचे जाएंगे, ये ओपन करेंगे आप, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा बैकग्राउंड इरेज़र नाम से। बैकग्राउंड इरेज़र देख लीजिए, इसका भी लोगो, बैकग्राउंड इरेजर, इसे भी आप इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद फ्रेंड्स, आप यहां से ओपन करेंगे और ओपन करते ही कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस सामने आ जाएगा। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर लिखा हुआ है लोड अ फ़ोटो। आपको सिंपली लोड अ फ़ोटो पर क्लिक कर देना है। लोड अ फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद कोई पिक्स आपको यहाँ से ले लेना है। जैसे मैं यहाँ से एक पिक्स ये ले लेता हूँ। यहाँ से फ्रेंड्स, क्या होता है कि आपके सारे बैकग्राउंड्स जो है उसको हटाने पड़ते हैं। तो सिंपली कुछ नहीं करना है इसमें। यहाँ से आप ऑटो वाले ऑप्शन में नीचे देखिए, लिखा हुआ है ना, सबसे नीचे वाले रो में देखिए, एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है, ऑटो मैजिक मैनुअल रिपेयर जूम लिखा हुआ, तो आपको ऑटो वाले पे क्लिक कर देना है। ऑटो वाले पे क्लिक करते ही यहाँ पे जो सिंबल आ जाएगा, जिस कलर का रहता है उस पे आप रखेंगे, टाइप करेंगे, वो कलर रिमूव हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ रखा, रिमूव हो गया, देखिए फ्रेंड्स। तो ऐसे ही आपको रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के साथ ही यहाँ पे डन पे आप ऑप्शन कर देंगे। जैसे ही डन पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे वहीं पर देखिए स्मूथ का ऑप्शन आ जाएगा। स्मूथ में जितना स्मूथ आप करेंगे, आपका साइड से और भी फ्रेश पिक्स निकल करके आएगा। फिर यहाँ से आपको सिंपली सेव कर लेना है। सेव करने के बाद फिनिश्ड कर देना है। फिनिश्ड करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ से आपको वापस जाना है अपने वो पहले वाले ऐप्स में, पर्सनल स्टिकर फॉर व्हाट्सएप पे। इसको आप ओपन करेंगे तो इसका इंटरफेस खुलेगा इस तरीके से। आपको इसमें क्या कर देना है फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐड लिखा हुआ है, उस ऐड पर जहाँ पे स्टिकर आपका आया होगा वहाँ पर ऐड कर देना। जैसे ही ऐड करेंगे फ्रेंड्स, आपका ये सीधे सीधे व्हाट्सएप में ऐड हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, हम चलेंगे व्हाट्सएप में। तो व्हाट्सएप में जैसे कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप में जाने के बाद जहाँ पर इमोजी वाला ऑप्शन है, इमोजी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर नीचे के सबसे नीचे देखिए, यहाँ इमोजी GIF और ये जो आइकॉन दिख रहा है, यही आपके स्टिकर का आइकॉन है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए आपके जो भी स्टिकर्स होंगे यहाँ पर सामने आ जाएंगे। हम लोगों ने ये स्टिकर बनाया था, ये स्टिकर चला गया। उसी तरीके से दूसरे पिक को आप एडिट कर लेंगे, इरेज कर लेंगे और यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो इस तरह के अनेकों तरह के स्टिकर आप भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बस यही था कि कैसे आप स्टिकर बना सकते हैं और दूसरे को सेंड कर सकते हैं। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो, उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद ज़रूर आया होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल ट्रिकी लवर्स और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स।